तो आज मैं चलाऊंगा यामाहा की MT-15 और आपको अपना रिव्यू बताऊंगा कि कैसी ये बाइक लगी मुझे। इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। इसमें एक तो ये लगा वाइजर, ठीक है, मेटल का, और इसमें लगा विगलेट, और इसमें कुछ ग्राफिक करा रखे हैं, ठीक है, और छोटे मोटे ग्राफिक, और इसमें लगा है अपना लेग गार्ड, जैसे क्रैश गार्ड होते हैं, ये बाइक को बचा लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोटा लगता है, बट छोटा नहीं है एक्चुअली। जिसका ये ना टैंक है, एग्जॉस्ट है, इसके अंडर आ रहा है, ठीक है एकदम। अगर बाइक ऐसे गलती से गिर भी जाती छोटा मोटा, या इवन थोड़ा बड़ा क्रैश होता है, तो ये सब कुछ बचा लेती है, खुद टूट जाता है, बट ये पूरे मॉडल को बचा लेता है, ठीक है। चाबी इसमें यहाँ लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर पूरा इंजन लगा हुआ है यामाहा R15 का, जो V4 में आता है या V3 में आता है, सेम इंजन है, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ, लिक्विड कूल, ठीक है, VVA टेक्नोलॉजी। बट फर्क ये है कि ये है नेक्ड बाइक है, ये उन लोगों के लिए बनी है जिन्होंने सिर्फ टूर करना है। जैसे आपको पता है यामाहा R15 के ऊपर आप काफ़ी अग्रेसिवली बैठते हो, ठीक है, लोगों के पैर नहीं लगते बाइक के नीचे, ठीक है, देखो लोग गिल्लियाँ मारते फिरते हैं, तो ये है शरीफ लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एकदम आपकी बैक पोस्चर एकदम सही रहती है, सीधी रहती है, जिससे आपका बैक पेन नहीं होता और आप लंबे लंबे टूर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मिलता है 140 का रेयर टायर, और फ्रंट में जाता है आपको 100mm का टायर, जो कि काफ़ी ब्रॉड है, देखो काफ़ी चौड़ा टायर है। और लुक तो इस बाइक की अलग ही है, इसका जो फेस है ना, वैसे लगता है जैसे कोई रोबोट हो। अगर आपने मूवी देखी ट्रांसफॉर्मर्स, तो उससे इंस्पायर लुक है। और लिक्विड कूल है, तो देखो ग्रिल वगैरह पे अलग से लगा रखी है, जिसको जो है ना रेडिएटर्स के ऊपर ग्रिल लगा रखी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और बाइक तो यार मैं बैठ के दिखाता हूँ इसके ऊपर, देखो एकदम, अब इसके ऊपर बैठ के फील आ रहा है कि अब जैसे यामाहा की FZ चला रहे हो, ऐसा फील आता है इसके ऊपर बैठ के। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सेम उसी के ऊपर बेस है ये बाइक, बट इसमें जो पावर है बहुत से ज़्यादा है। जिसका VV ऑन रहता है ना, तो ये R15 से पूरी टक्कर लेती है, बट ये R15 से जीत नहीं पाती रेस में, क्योंकि चक्कर ये है कि भाई R15 है फुली फेयर्ड बाइक, और ये है नेक्ड बाइक, इसमें विंड ब्लास्ट बहुत आता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ना भाई अपना ये विंड ब्लास्ट हमें रोकता है। तो एक राउंड लेते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। इसमें हम कोई टॉप स्पीड वगैरह चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक नहीं है ये, वैसे ये इजीली 140 चले जाती है, ठीक है। तो बैठ की फील एकदम आ रहा है यामाहा FZ वाला फील आ रहा है, ठीक है। हैंडल एकदम स्ट्रेट है, कंफर्टेबल है एकदम, बैक में एकदम स्ट्रेट है। पिलियन के लिए दिक्कत हो सकती है, पिलियन के लिए बहुत छोटी सीट है। हाँ, अगर कोई लाइट वेट पिलियन है वो बैठ सकता है, वैसे हैवी बंदा नहीं बैठ सकता। तो बाइक की साउंड कुछ ऐसी है, R15 साउंड है, बट थोड़ी स्मूथ है, क्योंकि ऑफकोर्स ये BS6 है, वेरियंट है इसीलिए। तो बात करें पावर की, इसमें है 18 BHP की पावर और 14 Nm का टॉर्क। ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर से भगाते हैं इसे ज़रा, ठीक है, इसको थोड़ी स्पीड चेक करते हैं। तो इस बाइक में विंड ब्लास्ट ज़्यादा है, ठीक है, पावर आपको सेम R15 वाली मिलती है, और कंफर्टेबल हद से ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टूर करना चाहते हो पहाड़ों में, ठीक है, ख़राब ख़राब जगह पे, तो ये ज़्यादा अच्छी है अगर हम कंपेयर करें R15 से। R15 का ये सीन है कि ये लोग जाते हैं उसे भी लेके पहाड़ों में दूर दूर तक, बट वो प्रैक्टिकली कम्फर्टेबल नहीं है, वो बनी है रेसिंग के लिए, ट्रैक के लिए, और वो कुछ देर बाद आपकी बैक को हार्म करती है।
बट इसमें क्या एकदम कंफर्टेबली बैठे हो, एकदम कंफर्टेबल यार, एकदम चिल्ड, ठीक है। और लगता है कि हाँ एक नेक्ड बाइक में बैठे हैं, कटिंग कुटिंग करने के लिए अच्छा है, सड़कों में गलियों में भगाने के लिए बहुत सी बाइक है, ठीक है। इसकी इसके कॉम्पिटिशन में आती है पल्सर NS 200, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है, कुछ मामले में तो इसको भी बीट कर जाती है वो। बट अगर बात करें इंजन रिफाइनमेंट की, क्वालिटी की, एक ब्रांड जिस पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो यामा ही है, ठीक है। मेरा बजाज से इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और मैं यामा ही प्रीफर करता हूँ फ्यूचर के लिए भी। दोस्तों को रिकमेंड भी मैं यामा ही करता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त यामा वाले हैं ना, तो इनको बहुत कम इशू आए हैं बाइक्स में, और क्वालिटी तो बेशक बहुत अच्छी है, प्रीमियमनेस है बाइक्स के अंदर, और जिन बाइक्स की लुक्स है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती। अगर आप आज भी देखो ना यामा की R15 वर्जन 2, इवन वर्जन 1, वो आज के टाइम पर सड़क पर चलती हुई ना लेटेस्ट बाइक लगती है। लेटेस्ट नहीं तो आज के ज़माने की मशीन तो लगती ही है, ऐसे नहीं लगता कि आउटडेट है, ऐसा कुछ नहीं लगता। इवन बड़ी बाइक्स की फील देती है ये बाइक्स, ठीक है। तो चलते हैं, आप वीडियो को एंड करते हैं, आप बताना आप कमेंट करके आपको कैसी लगी बाइक। ने अभी इजीली इन रोड्स के ऊपर देखो 100 अचीव कर लिया, 100 115 नॉर्मली अचीव कर लेते हैं, और टॉप स्पीड इसकी है 140 के आसपास है। मैं ज़्यादा बाइक भगाता नहीं हूँ, और अच्छी है बाइक, अच्छी लगी। तो वीडियो से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है, बाइक्स के रिगार्डिंग, ट्रैवल के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।